वेकम बीडियो दिस वीडियो इज अबाउट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ़ द सीवल विच आई वॉज मेकिंग स्टार्टिंग फ्राम ब्लॉक एल दैन ब्लॉक के दैन ब्लॉक जे देन ब्लॉक आई दैन ब्लॉक एच दैन ब्लॉक जी दिस अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीक्वल इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की जो मैं कोशिश करूंगा उसमें सबसे पहले ब्लॉक एफ की ओवरऑल जो डिवेलपमेंट है स्टेटस है डेवलपमेंट का वो क्या है नंबर वन नंबर टू के ब्लॉक एफ़ की जो ओवरऑल प्लॉट की कटिंग्स है यहाँ पे यानी कि किस किस साइजेज़ के प्लॉट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा एंड नंबर थ्री के ब्लॉक एफ़ में जो इंटरचेंज के चेंज होने से इफ़ेक्ट आएगा यानी कि इंटरचेंज जो है उसकी करंट लोकेशन जो प्रपोज थी वो ब्लॉक एफ से नियरस्ट थी अब वो 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 चेंज होकर आगे ओवरसीज़ टू के पास चली गई है अभी कन्फर्म नहीं ऑफिशली स्टार्ट नहीं हो काम वहाँ पर लेकिन नाइन्टी परसेंट कन्फर्म है कि वहीं होगी तो ब्लॉक एफ़ पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जिन लोगों ने ब्लॉक एफ़ में प्लाट सिलेक्शन की थी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ होगी कि यार हमारा प्लाट मोटरवे के पास होगा तो अभी वो प्लाट मोटरविक इंटरचेंज चेंज हो गई है तो उस हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले कि ब्लॉक एफ में ओवरऑल डेवलपमेंट डेवलपमेंट के स्टेटस स्टेटस क्या का है सामने आपको भी ड्रोन uh, फुटेज में एक ड्रोन वाटर बॉडी नजर आ रही होगी इस वाटर बॉडी से मैं स्टार्ट करूंगा ब्लॉक एफ में कि कहां लोकेट करती है उसके सराउंडिंग में आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट की कटिंग फिलिंग या जो भी हो रहा है वो किस किन किन, किन फेजे में गुजर रहा है ब्लॉक एफ को आगे वाला पार्ट भी ब्लॉक एफ की आप एक्सटेंशन कह लें जिसमें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इन ट्राई करूँगा पोस्ट कर दूं तो ब्लॉक एफ में आगे तक जो लैंड रक्त पर भी कुछ काम शुरू हो चुका है तो ओवरऑल ब्लॉक एफ का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप से कि मैप मैपे ब्लॉक एफ की लोकेशन कहाँ लोकेटेड है और उसकी डिटेल्स के हवाले से पहले आपको मैं मैप एक्सप्लेन करता हूँ इस वक्त में कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल मैप देख सकते हैं जिसमें ओवरसीज़ ओवरसीज़ीजीजीजीजन का मैप एंड ओवरसीज प्राइम का मैप को नजर आ रहा है मैं जूम करता हूं ब्लॉक एफ पे जिसके हवाले से आज की वीडियो है ब्लॉक एफ की जो वीडियो स्टार्ट होती है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है जो आपको ये वाटर बॉडी नजर आ रही है ये ब्लॉक एफ़ के एग्जैक्ट जहाँ से मैंने वीडियो बल्कि स्टार्ट की थी उसके बिल्कुल नीचे आती है तो ये वाटर बॉडी जो है मैं मैप को क्लियर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए गूगल अर्थ विस्तक ये सैटेलाइट इमेजेस अपडेटेड नहीं है तो यहाँ से मैं शायद उस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ बट आपको मैप की मदद मतलब से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी जो भी आपको पानी नज़र आया था वीडियो में ड्रोन में मैंने एक्सप्लेन भी किया था वो ये वाला पार्ट था उसके साथ सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक एफ़ के जिन पे भी काम हो रहा है वो ये वाले ब्लॉक्स हैं ये वाले प्लॉट्स हैं सॉरी ब्लॉक एफ में ये जो पांच मल्हे के प्लॉट्स हैं ये जितनी सीरीज है वन से लेकर ट्वेंटी एट प्लाट नंबर स्ट्रीट नंबर सिक्स उसके बाद अगर बात करें अजीज भट्टी रोड पे प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर ट्वेंटी इनकी लेवलिंग काम हो रहा है अगर प्लॉट नंबर वन टू तो प्लॉट नंबर एटीन की बात करूँ उसकी साइड की बात करूँ पार्क रोड ईस्ट की इस पर काम हो रहा है और इसकी सराउंडिंग में जो ये वाली पट्टी है वाटर बॉडी की दूसरी तरफ है तो इस वाली साइड पर भी काफी हद तक लेवलिंग हो चुकी है ऑलरेडी और यहाँ कुछ ऑलरेडी लेवल लैंड है तो ब्लॉक एफ को डेवलप होने में मोस्ट प्रोबेबली इस डेट से जिस डेट में वीडियो बन रही है थर्टीथ ऑफ जनवरी 2020 ट्वेंटी होपफुल आगे छः सात महीने का टाइम लगेगा बाय द एंड ऑफ 2021 ट्वेंटी वन होपफुल ब्लाक एफ मुकम्मल डेवलप हो जाएगा ब्लॉक एफ जो है ये एक डिफरेंट टाइप का ब्लॉक है बाकी ब्लॉक की नस्बत इसलिए डिफरेंट है कि ब्लॉक एफ़ में जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे पाँच मरल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं यहाँ पे सात मरल की कैटेगरी के प्लॉट हैं यहाँ पे बारह मरला के कैटेगरी के प्लॉट हैं यानी एक मिक्स ब्लॉक है यहाँ पे आउट कटिंग्स है, है। है। भी हैं सात मरला बारह मरला जैसे ब्लॉक आप ई को देखें या जी को देखें सिर्फ पाँच मरला के प्लाट्स कोई और कैटेगरी नहीं अगर आवाज में ब्लॉक सी पे तो ब्लॉक सी में सिर्फ दस मरला के प्लाट और इसके अलावा ब्लॉक बी पे सिर्फ एक नाल ब्लॉक जे सिर्फ एक नाल ब्लॉक ए दस मरला ब्लॉक के सिर्फ दस मरला तो ब्लॉक एल के अलावा ब्लॉक एल और ब्लॉक एफ इन दो ब्लॉक के अलावा जितने ब्लॉक्स हैं वो सारे आ, सिंगल कैटेगरी प्लॉट्स हैं अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें प्लॉट की कैटेगरी कौन सी जो मैंने अभी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दी है इसमें पाँच मरला पच्चीस पैंतालीस एक सौ पच्चीस गज की कटिंग है सात मरला तीस बाई तिरपन एक सौ पचहत्तर का जी कटिंग है और अगर हम बात करें दस मरला बारह मरला की तो चालीस बाय अड़सठ फोर्टी इन टू सिक्सटी एट तीन सौ का सी कटिंग है ये होगी ब्लॉक एफ़ की ओवरऑल प्लाट्स की कटिंग की बात अब जी जो लोग सवाल करते हैं कि ब्लॉक एफ़ का इंटरचेंज चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ब्लॉक एफ़ के बिल्कुल अपोजिट साइड पर यह रोड आपको नजर आ रही है ये जो रोड है ये लीड करती है आगे थीम पार्क की तरफ और थी इस पॉइंट से एग्जैक्ट इस पॉइंट से एग्जैक्ट जो है ना टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर यहाँ पे रिंग रोड मूरत इंटरचेंज की कटी पहाड़ी जो आपको नजर आ रही है इस पार्ट पे वो आ रहा है तो अब ये सारा एरिया जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो जमीन ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड थी तो ये आर डी ए के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके शायद अपने न्यूज़पेपर में एड भी देखा हो तो ये सारी लैंड थीम पार्क के रिजर्व कर दी गई है तो यहाँ से डायरेक्ट एक एक्सेस मिल रही है जो डायरेक्टली मूर्त इंटरचेंज पर कनेक्ट करेगी इसका फ़ायदा क्या होगा एफ ब्लॉक के रेजिडेंट्स को एफ ब्लॉक के रेजिडेंट्स को फ़ायदा ये होगा कि जिन मेबर्स को इंटरचेंज मिलनी है लेट से चीज़ें हो uh, होंगे जो uh, यहाँ पे रहेंगे तो उनको मिलेगा कहीं इस पॉइंट से के के इस, वाला ये इस अगर आप मोटरवे पर विजिट करें तो इस पार्ट का नाम है मंदवाल ब्रिज ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है इससे थोड़ा सा पहले इंटरचेंज की एग्जैक्ट लोकेशन है तो ये मंदवाल ब्रिज से जिन लोगों ने एक्सेस करनी है उसको पूरा मोटरवे ये सफ़र करके वापस इधर से स्टार्ट होना है एंड इस पॉइंट पे वापस पहुँचना है मोरत पे तो ब्लॉक एफ़ में जब यहाँ से थीम पार्क एरिया बन जाएगा तो यहाँ पे सोसाइटी की तरफ तो से रोड आ जाएगा और इस रिंग रोड के इंटरचेंज से एक आर्टरी स्मार्ट सिटी के लिए आ रही है ये इसकी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कई दफ़ा पहले भी अभी आने वाले दिनों में ऑफिशियल भी हो जाएगा ये आर्टरी से जब स्मार्ट सिटी में एंट्रेंस होगी इस पॉइंट से तो एफ़ ब्लॉक के रेजिडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा टू रीच मोटरवे और बाकियों के नस्बत कम डिस्टेंस पे तो ये ब्लॉक एफ़ को इसका एडवांटेज होगा ब्लॉक एफ ब्लॉक ई ये दो ब्लॉक्स हैं इनको इसका काफी एडवांटेज होगा का, मोरत इंटरचेंज से बाकी जो स्मार्ट सिटी की अपनी इंटरचेंज है उसकी जब एग्जैक्ट लोकेशन आएगी तो मैं उस हवाले से भी आपको डिटेल से अपडेट कर दूंगा बैक टू रियल टाइम इमेज और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ब्लॉक एफ़ के साथ जो मैंने को वाटर बॉडी एक्सप्लेन की थी उसके साथ साथ जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट अभी इस वक्त आपके सामने है यहाँ पे भी डेवलपमेंट उस तरह से कटिंग फिलिंग वाले पार्ट में नहीं हो रही जो इससे पिछली तरफ वाटर बॉडी से दूसरी तरफ एरिया था जहाँ पे पाँच मल्ला और सिर्फ पाँच मल्ला के प्लाट इनफैक्ट सात मल्ला की सर्वे की लेन आती है जो वाटर से इस तरफ है तो इस वज स्टेटस है डेवलपमेंट का यहाँ पे वो ये है कि ये लैंड जो आपको पर्पज़ था बेसिक दिखाना है इस पूरी सीक्वल में कि हर ब्लॉक की आपको लैंड का आइडिया हो कि इस ब्लॉक की लैंड कैसी है इस ब्लॉक की लैंड कैसी है जिन इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्मार्ट सिटी में स्पेशली जिन्होंने ब्लॉक एफ में की हुई है तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे अभी आपको बैक पर कुछ पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे ये सारा एरिया मोटरवे के साथ साथ राइट साइड वाला एरिया है यानी कि अगर आप लेट से मोटरवे पर ट्रैवल करें तो इस जगह से आपको राइट साइड पर सारे पहाड़ ये नज़र आते हैं ये जो हैं हार्डली जो इसका डिस्टेंस होगा इस पूरे पहाड़ों का तकरीबन वन से वन पॉइंट टू किलोमीटर या वन पॉइंट थ्री किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ब्लॉक एफ़ से उसकी रीज़न ये कि ब्लॉक एफ़ को सबसे ज़्यादा जो लोग ब्लॉक एफ़ को बतौर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं उनके प्लाट्स को एक बहुत अच्छी आ, आप कह लें कि जिस तरह इस्लामाबाद में ई e सेक्टर में प्लाट जो है वो कनाल का प्लाट ट्वेंटी टू करोड़ का ई स्टैंड फॉर जो इस्लामा के सी डी एस ई e हैं ई e में ट्वेंटी टू करोड़ पर कनाल का प्लॉट है द ओनली रीज़न इज़ कि मारगला फेसिंग है और फैसल मस्जिद के पास है तो फैसल मस्जिद के पास जाहिर सी बात है कि वो मोन्यूमेंट है पाकिस्तान का नेशनल मोनूमेंट है लेकिन मारगा फेसिंग होने की वजह से वो प्लॉट ट्वेंटी टू करोड़ का कनाल है यानी बाईस करोड़ से लेकर पच्चीस करोड़ का कनाल आपको ई e सेक्टर में या एफ सिक्स ई सिक्स यहाँ पर मिलता है इसकी रीज़न जो है वो वायद ये है कि वो एक पहाड़ों की ब्यूटी बन जाती है तो ये वाला जो इस एरिया का एडवांटेज होगा वो ऑप्टिमल एडवांटेज इसको ब्लॉक एफ़ को मिलेगा वो आपको सामने मोटरवे कुछ ट्रैफिक भी नज़र आ रही है काफ़ी हद तक विजिबिलिटी है कि ये जो ट्रैफिक है ये कहाँ पे मूव करी और मोटरवे से कितना डिस्टेंस बनता है जब यहाँ से आगे ब्लॉक एफ़ के साथ राइट साइड थीम पार्क आ जाएगा जिसका जो राहुल बंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है थीम पार्क आने के बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस बन जाएगी एफ़ ब्लॉक से मोटरवे की इंटरचेंज की क्योंकि एक सेपरेट रेपरेट आर्टरी स्मार्ट सिटी के, के लिए रिजर्व की गई है और उसके बनने के बाद डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाएंगे इस इंटरचेंज का जो गवर्नमेंट ने बना के देनी है राहुल गांधी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंटरचेंज उसका एडवांटेज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एप ब्लॉक को वीडियो के स्टार्ट से लेकर अब तक मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं मैंने शुरू में एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था जो लास्ट जहाँ तक विजिट पॉसिबल था अभी ब्लॉक ई की भी देख सकते हैं ये जो आपको बॉटम में पार्ट जो मैंने मार्क किया है ये पार्ट जो नज़र आ रही है पहले लेवल नहीं था अभी काफ़ी हद तक लेवल तो खराबी भी नहीं है ये हाइड्रेट है थोड़ा सा बाकी ब्लॉक उस पर लेकिन काफ़ी हद तक इसकी कटिंग फिलिंग जो है वो इक्वल हो गई है तो ये ब्लॉक एफ की ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस था जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको वेल व्यवर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्टफीन में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल वे है मुझे व्हाट्सए कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी मांगा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज